आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रमजान का महीना इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन इस वर्ष 2020 का रमजान दुनिया के 180 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के लिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन ने सभी तीर्थ स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इस बार सामूहिक रूप से अता होने वाली रमजान की नमाज भी नहीं होगी। कोतवाली सादाबाद पुलिस द्वारा मुस्लिम बस्तियों में पैदल घूमकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को रमजान के इस माह में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश और जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के साथ अपने अपने घरों में रहकर रोजा शरी के इफ्तार तथा तरवीन की नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। सामूहिक रूप से नमाज अदा करने से संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहेगा। शासन द्वारा मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। एक संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसी सूरत में ये बेहद जरूरी है कि अपने अपने घरों में रहकर नमाज अदा करी जाए। देखते हुए इस समय पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है नमाज अपने घरों पर ही रहकर अदा करें। एक दूसरे के घर न जाए, गली मोहल्ले में न निकले, मस्जिद का इस्तेमाल न करें और लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि उल्लंघन पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।